ओके okay. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ओके लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि इमेजेस कैसे यूज की जाती है, इमेज को हम अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर कैसे ला सकते हैं। फिर उसके बाद हमने दिया था लिंक, लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे टैब के अंदर वो वेबसाइट को ओपन कर देगा। ठीक है, आपको कहीं भी जाना हो एक पेज से दूसरे पेज में, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे HTML एंकल टैग का ही यूज करना है। उसके पहले हमने पढ़ा था बहुत सारे टैग्स, पी टैग, पैराग्राफ टैग था, बोल्ड था, इटालिक था। ठीक है, तो ये सारे टैग हमने पढ़ा था, सुपर था, सब्सक्रिप्ट था, तो ये सारे टैग हमारे सिंपल सिंपल हो गए थे। अब हमें क्या करना है कि इमेजेस के अंदर हमें ऑफलाइन इमेजेस डाउनलोड करनी है, उसको हमें कैसे प्रेजेंट करना, मतलब हमारी एक इमेज गैलरी कैसे बनानी है वो। फिर उसके बाद हमें टेबल के बारे में पढ़ना था, जिससे हम अपना कोडिंग है वो स्ट्रक्चर फॉर्म में रख सकते हैं टेबल की वजह से। फिर टेबल के अंदर बहुत सारे फंड ट्रिक्स है जो हम उस पर लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली टेबल को हम कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर होता तो है, पर उसको यूआई फॉर्म में, मतलब आपने ग्राफिकली फॉर्म में कैसे लिखना है, कैसे देखना है, तो वो हम उसकी मदद से देख सकते, मतलब स्ट्रक्चर दिखाना है। पर उससे पहले हम क्या करेंगे कि अब हम कोडिंग कर रहे तो कहाँ पे कर रहे थे, कि नोट पैड के अंदर कर रहे थे। तो नोट पैड में क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एक एक टैग आपको चालू करना है, बंद करना है, तो सारी चीज़ें हो जाती है। तो उसके बाद जो लेटेस्ट कंपनी में यूज हो रहा है एडिटर, वो एडिटर कौन सा है हमारे पास, तो भाई सबलाइम करके है, उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, उसको हैंडल कैसे करेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद हम इमेज और टेबल सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करना है कि सबलाइम को कैसे इंस्टॉल करना है। तो पहले इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबलाइम लिखना है, तो वहाँ पे आ जाएगा सबलाइम डाउनलोड, ऐसे लिखना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो इसके अंदर डाउनलोड सबलाइम के अंदर जाना है, और उसके बाद यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट, जैसे ही क्लिक करोगे ठीक है, तो अपने आप वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है कि फोल्डर ओपन करना है, इस फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें सबलाइम टेक्स्ट 1.4 सेटअप, इसके डबल क्लिक करो, मेरे पास अभी दो है। ठीक है, जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है, और कुछ करना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, वापिस नेक्स्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। जैसे आप इंस्टॉल करोगे ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आएगी, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाने के बाद, इंस्टॉल तो हो गया है, तो यहाँ पे जाके फाइंड करना है कि सबलाइम इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ गया है मेरे पास, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो वो ऐसे बन के आएगा। ठीक है, तो ऐसे बन के आने के बाद मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी सारी जो डायरेक्टरी फाइल है, फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स पड़े हैं, मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे बार बार अपने फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे जो भी फोल्डर चाहिए तो उस फोल्डर को मैं यहाँ पे लोड करवा रहा हूँ, जिसकी मदद से इसके अंदर जितनी भी फाइल पड़ी होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो पहले मैं क्या करूँगा, फाइल के अंदर ओपन फोल्डर में जाऊँगा, और उसके डेस्कटॉप में कहीं भी जा सकता, आप डी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव में जाओ, यहाँ पे फोल्डर ले लो। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया HTML करके। जैसे इसको ओपन सिलेक्ट फोल्डर करूँगा, इसके अंदर ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ओपन सिलेक्ट फोल्डर, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे बन के आ जाएगा मेरे पास, ऐसे आएगा। ठीक है, तो जो लास्ट सबलाइम हमने खोना था उसको हमें बंद कर देना है। ठीक है, और जो हमें अभी करंटली खोला है उसको ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे HTML पे क्लिक करूंगा तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होगी वो मुझे यहाँ पे एट ए टाइम मिल जाएगी। इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे स्ट्रक्चर भी उसका दे देगा। देखो अभी इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे करना है, तो मैं इसके अंदर एक नई फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक करो इसके फोल्डर के नाम के ऊपर, राइट क्लिक करो, उसके बाद न्यू फाइल पे क्लिक करो,
और उसको सेव करना है। पहली बात इसको सेव करना है। सेव करने के बाद इसको मैं नाम दे रहा हूँ कि about.html। ठीक है, तो देखो इसके अंदर about.html की एक और फाइल बन गई। तो सेव करने के बाद मुझे इसके अंदर html कोड लिखना है, तो मुझे क्या करना है कि टैग लिखना है, उसके बाद html लिखना है। पूरा टैग करना नहीं है, ऐसे इतना लिखने के बाद जैसे ही आप इसको एंटर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेबल html का स्ट्रक्चर था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया कि डॉक टाइप html भी आ गया, html स्टार्टिंग टैग आ गया, हेड टैग भी आ गया, टाइटल टैग भी आ गया, हेड टैग क्लोज भी हो गया ऑटोमेटिकली, और बॉडी टैग स्टार्ट और एंड एंड html क्लोज, मतलब ये स्ट्रक्चर बन के ऑटोमेटिक आ जाए। आपको क्या करना है, सिर्फ क्या लिखना है कि html लिखना है और यहाँ पे एंटर देना है। जैसे एंटर दोगे तो स्ट्रक्चर आ गया। फिर उसके बाद अपना आपका जो इमेज गैलरी बनानी है वो हम स्ट्रक्चर चालू करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इमेज गैलरी टाइटल दे देता हूँ। उसके अंदर मुझे क्या करना है कि बहुत सारी इमेज रखनी है, पर वो इमेज कैसी होनी चाहिए कि ऑफलाइन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऑफलाइन होनी चाहिए। ऑफलाइन मतलब मुझे पहले क्या करना चाहिए, इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा तभी वो मुझे मिलेगी। तो इमेज को डाउनलोड करने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं कि हमारे ब्राउजर के अंदर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं इमेजेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे इमेज के अंदर और यहाँ पे टूल्स में चले जाएंगे। टूल्स के अंदर क्या होता है कि एक ही साइज की आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएगी। ठीक है, और इस पे ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद सेव इमेज, पर इसको सेव कहाँ पे करनी है, डेस्कटॉप के अंदर हमारा जो html है उसके अंदर करनी है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेब फाइल आ रही है, तो वो पूरी फाइल आ रही है, ये फाइल में नहीं करनी है। इमेज की फाइल कैसी होनी चाहिए, jpg फॉर्म में होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्लिक करो, वापस इसको सेव करो, ये भी वेब फाइल के अंदर है। तो मुझे पहले इमेज को ओपन करना पड़ेगा, यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर सकते। राइट क्लिक करने के बाद इसको करो कि ओपन लिंक इन न्यू टैब। जैसे यहाँ पे ओपन हो गया तो देखो ये वेब पेज ओपन हुआ ना, तो यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते आप इसको। तो पहले आपको इस इमेज के इमेज डाउनलोड नहीं हो रही है, दूसरी पे देखो डाउनलोड हो गई। यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट क्लिक करने के बाद ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, जैसे क्लिक करोगे तो इमेज हो गई। इसके बाद इसको क्या करना है, राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेज, हमारे फोल्डर के अंदर जाना है, डेस्कटॉप के अंदर html, और उसके अंदर उसको नाम दे देना है कि फर्स्ट ओके। देखो ये फाइल कहाँ पे हुई, jpg फॉर्म में हुई ना। तो आपको ऐसी इमेज डाउनलोड करनी है, jpg फॉर्म में होती है वो, और उसको कहाँ पे सेव करनी है, html फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फर्स्ट, ऑटोमेटिकली jpg लग जाएगा, उसको सेव कर दो। एक ही इमेज हमने डाउनलोड कर ली, उसके बाद दूसरी इमेज डाउनलोड करनी है। यहाँ पे राइट क्लिक करो, ओपन इमेज न्यू टैब, यहाँ पे आ गए, इसको सेव इमेज करो। तो यहाँ पर भी jpg आया, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सेव, इसका नाम दे रहे हैं हम सेकंड। वो फाइल आपको अभी दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, ये ऐसे आपको डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको नाम बदलना है, सेकंड कर दो, सेव कर दो। ठीक है, ऐसे आपको सारी इमेज डाउनलोड करनी है। ठीक है, हमने दो इमेज डाउनलोड की है,
अब हम करेंगे हमारे सबलाइन के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे दो इमेज आ गई, जो सेकंड और फर्स्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे भी इमेज src, यहाँ पर ही फाइल पड़ी है फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट jpg, क्लोज कर दो इसको, ठीक है। और दूसरी इमेज यहाँ पर ले रहे src, उसके बाद यहाँ दे दो सेकंड jpg, पे क्लोज कर दो इसको, सेव करो। और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद, यहाँ कहीं पर भी आप राइट क्लिक करोगे, उसके बाद आपको करना है ओपन इन ब्राउजर, ठीक है। जैसे ब्राउजर ओपन होगा तो इमेज ऐसे दिखाई देगी बड़ी बड़ी, ठीक है। आपको इस इमेज को छोटी करनी हो तो आप स्मॉल भी करवा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि इमेज को छोटी करनी हो तो आप वहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ दे सकते हो। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ हाइट HEIGST इक्वल टू, यहाँ पे दे रहा हूँ 300 और उसकी विड्थ 300, सेम इज इट इज, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एच उसकी 300 और विड्थ भी दे रहा हूँ यहाँ पे। सेव करो। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउजर के अंदर जाते, रिफ्रेश करो यहाँ पे, तो भी हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ हमारी इमेज ओपन हो गई, हम गैलरी बना सकते हैं। इसको हम बार बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इमेज हो गई हमारे पास, आप जितनी भी इमेज डाउनलोड करके बना के रख सकते हो, ठीक है। तो आप स्क्रॉलिंग भी अपने आप आ जाएगा जितनी भी इमेज। फिर मुझे क्या करना है कि इस इमेज पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो मैंने तो लिंक दी थी, पता है। तो लिंक कैसे करनी है, तो इस एंकर इस इमेज को, इस पूरी इमेज को मुझे लिंक बनाना है, मतलब इस पर क्लिक करूँगा तो वो एक नई लिंक पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक लिंक देने के लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें पाथ देना पड़ता है, ठीक है। एंकर टैग को बंद कर दो और यहाँ पे क्लोज कर दो एंकर टैग को, हो गया। तो कहाँ पे जाना है, जहाँ पे आपको जाना है उसकी आपको लिंक देनी पड़ेगी ना। तो पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जाना है हमारे विकिपीडिया पे जाना है, ठीक है। तो इसकी लिंक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ wikipedia.org, उसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। सेव किया, फिर यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपने पेज पे, पेज मैंने बंद कर लिया है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ओपन ही ब्राउजर ओपन हो गया, ठीक है। ऐसे ओपन होगा आपको, फिर यहाँ पे देखो एक क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको नए पेज के अंदर ले जाता है, इसी पेज के अंदर। तो आपको बैक करना पड़ेगा ना बार बार। मुझे क्या करना है कि इस पर क्लिक करूँगा तो वो नए टैब में खुलनी चाहिए, उसके बाद जो नया टैब आता है उसके ऊपर खुलनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे कोडिंग के अंदर जो मैंने एंकर टैग लिखा है, आप इसके अंदर और कोई टैग नहीं देते तो वो कहाँ पे ओपन होगा, कि एक अपनी जो आपका पेज है अबाउट डॉट एस उसके अंदर ही वो इस फाइल को लोड कर देगा, ठीक है। मुझे नए पेज में चाहिए, मुझे ये पेज पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे टारगेट, उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर, क्या करना है अंडरस्कोर, फिर उसके बाद लिखना है यहाँ पे ब्लैंक, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो पेज है अबाउट उसको कोई चेंज नहीं करेगा, क्या करेगा वो एक नए टैग के अंदर इस फाइल को ओपन करवा देगा। देखते हैं, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करो, पहले रिफ्रेश करना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे आ गए, तो आपका ये पेज तो है ही, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कहाँ पर आ गया, नए टैब के अंदर आ गया ना, आपका पुराना पेज पेज है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो वापस वो नया पेज आपको ओपन करते रहिए, मतलब दूसरे टैब के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी लिंक आपको ओपन करवानी हो तो वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ब्लैंक। फिर एक और चीज़, भाई आप यहाँ पे आते हो गए, फिर आपको पता नहीं है कि इसकी लिंक है, तो लिंक पता तो होनी चाहिए, तो उसके लिए वो लोग यूज करते हैं टाइटल टैग, ठीक है। तो वहाँ पे हम दे रहे हैं टाइटल, एंकर टैग के अंदर ही देना है यहाँ पे। तो इस ये चीज़ें वो भी आपको एट्रीब्यूट बोलते हैं, यहाँ पे दे दो टाइटल,
ये टाइटल किस तरीके का है, पेज का टाइटल नहीं है, किसका है, एंकर टेक का टाइटल है। ठीक है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ विकिपीडिया, सेव किया, हम अपने फोल्डर में गए, ब्राउजर में गए और यहाँ पे जैसे ओवर करो, क्लिक नहीं करना है, ओवर करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, विकिपीडिया दिखाई देगा ना, देखो टैब पे आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। अब यहाँ पे जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो वैसे ही मुझे इसकी इसको भी लिंक देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ए चार ये। ठीक है, इसको मैंने यहाँ बंद किया और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसको भी मुझे लिंक देनी है। और यहाँ पे मुझे नए टैब के अंदर ओपन करना, तो टारगेट प्लस और ब्लैंक। ठीक है, और यहाँ पे दे रहा हूँ मैं टाइटल यूट्यूब का, और यहाँ पे मुझे लिंक भी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम अपने ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे यूट्यूब की लिंक ओपन कर लीजिए, तो कॉपी किया लिंक को, लिंक को कॉपी करने के बाद हम अपने पेज के अंदर जाएंगे वापस और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे HTTP लिखना और WW होना खास जरूरी है, वरना क्या करेगा आपका जो पेज है उसके पीछे ही वो आपको प्रिंट करके दे दे। सेव किया हमने। ठीक है, सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे अपने ब्राउजर के अंदर, इसको रिफ्रेश किया वापस, देखो यूट्यूब आ गया, इसके अंदर जाएंगे तो विकिपीडिया आ गए, इसके अंदर जाएंगे तो यूट्यूब आ गए। ठीक है, तो ऐसे लिंक अपने आप आ जाती है, पता चला। तो अच्छे से इस पर क्लिक करोगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपका विकिपीडिया ओपन हो जाएगा। तो मतलब आपकी वेब पेज है, इसकी मदद से आपको कहीं भी जाना हो, ठीक है, आपको फेसबुक ओपन करना है, इंस्टाग्राम ओपन करना है, आपका टेलीग्राम ओपन करना है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे लिंक ओपन करके रखवा सकते हो, क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको वहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या होगी, शॉर्टकट होगी, तो आप इसकी मदद से आप आपकी इमेज गैलरी भी बना सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इसी के ऊपर है कि आप यहाँ पे क्लिक कर तो रहे हो, फिर मुझे दूसरे पेज के अंदर जाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था कि HTML पेज। ठीक है, दो पेज है हमारे पास, एक अबाउट पेज है और दूसरा है हमारा HTML, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है खास, क्योंकि इसके अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ कि H1 टैग के अंदर इंडेक्स HTML पेज, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं अबाउट के अंदर इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो मुझे इंडेक्स पेज में रिडायरेक्ट कर वहाँ पे जाना है, मुझे ऑफलाइन जाना है। ये कहाँ पे जितनी भी चीज़ थी वो हमारी ऑनलाइन थी ना, अब हमें ऑफलाइन जाना है। तो मैं यहाँ पे एंकर टैग पे HRE ऐप और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये क्लोज कर दिया मैंने, यहाँ पर भी क्लोज। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे इसी पेज के अंदर, मैं कहाँ पे हूँ HTML के अंदर, तो कोई मुझे अगर अबाउट में से कहाँ पे जाना है, इंडेक्स में जाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ HTTP नहीं देना है, सिर्फ क्या करना है कि इस पेज का नाम ही देना है, यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे जहाँ पे जाना है उस पेज का सिर्फ फुल नेम देना है। ठीक है, HTML दे दे और उसके अंदर हम क्या करें कि टारगेट नहीं देना, मुझे इसी पेज के अंदर चाहिए, टाइटल दे रहा हूँ हम गो टू इंडेक्स, सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम उसको टारगेट ओपन करेंगे, क्लिक किया, ठीक है, आ गया गो टू इंडेक्स यूट्यूब एंड विकिपीडिया। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखो HTML पेज आ गया हमारा पेज। ठीक है, मुझे वापस जाना है तो क्या करने का, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है ना, तो क्लिक नहीं करना मुझे, मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ एंकर लिंक बनाऊँ, जिसके मैं जैसे क्लिक करूँगा तो वापस मुझे जहाँ से आए थे वहाँ पे भेज देगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे इंडेक्स पेज के अंदर एक एंकर टैग बना रहा हूँ HRE क्लोज किया और कहाँ पे जाना है गो टू बैक,
और यहाँ पे लिख रहा हूँ कहाँ पे जाना है मुझे, अबाउट वाले पेज में ना, क्योंकि मैं वहाँ कहाँ से आया था, इसलिए मैं अबाउट वाले पेज में से आया, तो वहीं पर मुझे वापस जाना है। सेव किया, सेव करने के बाद वापस यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, रिफ्रेश करो तो यहाँ पे आप आ गए। जैसे ही गोटो पे क्लिक करोगे तो वापस आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन हम कोई भी लिंक नहीं दे सकते बैक करने वाले, ठीक है। तो ये चीज़ थी, या आप अपनी तरीके से एक इमेज गैलरी भी बना सकते हो, जिसकी मदद से आप क्या करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि ब्रदर सिस्टर जो जितनी भी फोटो है उसको क्लिक करके रखवा देनी है भाई। और इस ब्रदर पे क्लिक करो तो ब्रदर की फोटो ही आपके सामने आ जाएगी, सिस्टर पे क्लिक करो सिस्टर की, फादर मदर, तो ये फैमिली फोटो। तो ये आपको वन टाइप ऑफ एक गैलरी बना सकते हो आप अपनी, तो जितनी भी इमेज से आपको, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम इसके ऊपर क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। आपको एक स्लाइडर बनाना है तो स्लाइडर भी आप इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। तो वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसके ऊपर क्या क्लिक करेंगे तो कैसे ओपन होगा, कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो हम एक साथ यहाँ पे दो टैग का यूज़ करें, कौन कौन से टैग, एंकर टैग का, ठीक है, फिर टाइटल टैग आ गया, फिर इमेज पे। तो ऑफलाइन कैसे यूज़ होता है, ऑनलाइन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैंने आपको क्या बताया कि एक एंकर टैग बता दिया, ठीक है, और इमेज टैग बनाए। तो यहाँ पे आपको एक इमेज गैलरी भी आप बना सकते हो, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और वहाँ से वापस आ भी सकते हैं। तो जितने पेज आपको बनाने के, ब्रदर के सिस्टर का फादर, तो उतने सारे पेज बना के अंदर उसके अंदर आप क्या रख सकते हो, अपनी फ़ोटो रख सकते हो और वहाँ पे लोड भी करवा सकते हो जितने भी इमेज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वन टाइप ऑफ इमेज टैग पूरा हो गया। इमेज टैग के अंदर इसके बाद और कोई नहीं आ रहा, और कोई चीज़ नहीं आ रही। उसके बाद आपके पास आएगा स्टाइल आ जाएगी और टेबल टैग। जो टेबल टैग है वो हमें पढ़ना था, ठीक है। तो टेबल टैग हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना इमेज टैग, इमेज गैलरी बनाना, ठीक है, ध्यान से देखना भी कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। तो यहाँ इसका सेशन यहीं पर ही क्लोज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।